नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर वन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है वो है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के अंतर्गत जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाने हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, उसके अंतर्गत उसकी जिम्मेवारी आपको इतनी बड़ी उठानी पड़ती है कि आप लोग स्कूटी से ही वंचित रह जाते हो। तो आप सभी को मैं पहले ही बता दूं कि आपको ये ऑनलाइन आवेदन भरना है तो उससे पहले क्या करना है कि सभी छात्राओं को अपने जो जन आधार कार्ड हैं उनको अपडेट करवा लेना है। जल्द से जल्द पहले जन आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना, क्योंकि उसमें जो आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी अपडेट नहीं होगी तो आपका फॉर्म है जो जनरल वाली कैटेगरी के अंदर चला जाएगा और फिर जनरल कैटेगरी में ओनली 51 स्कूटियाँ मिलती हैं तो आपके बाहर 20,000 स्कूटियों की संख्या है तो उनको शायद 102 कर दिया जाए या उनकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाए। लेकिन जनरल कैटेगरी में एक तरीके से कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो जैसे कि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी और ये जो 10th एसटी वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि उनको अपना जन आधार कार्ड है वो पहले अपडेट करवा लेना है। अपडेट 7 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, फिर अपडेट होने के बाद ही आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है जिससे कि आपकी जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी में आपका फॉर्म फिलअप हो जाए। नहीं तो आपका जब जनरल में नाम आएगा तो आप लोग बोलोगे सर हमारी कैटेगरी की कट ऑफ तो ओनली इतनी ही गई है लेकिन फिर भी हमारा जो नाम है वो फाइनल लिस्ट में नहीं आया है, अब हम लोगों को क्या होगा, हमें स्कूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दोस्तों फिर आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अपना जन आधार कार्ड पहले ही अपडेट करवा लेना है और फिर अपडेट कर करके ही फिर आप है अपने फॉर्म को भरवाना, ठीक है। और अब जो EWS कैटेगरी है उसके अंदर 2021-22 में जो फॉर्म है वो टोटल जितनी यानी कि 600 स्कूटियाँ दी जानी है वो 600 स्कूटियाँ पिछले 2019-20 वाले बजट में थी, लेकिन अब की बार आप लोगों की जो स्कूटियाँ हैं वो शायद बढ़ा दी जाएंगी क्योंकि अब की बार स्कूटियों की संख्या 20,000 कर दी गई है। तो आपके जितनी स्कूटियों की संख्या है उतनी संख्या में फॉर्म नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था उनकी बस यही मिस्टेक थी कि उनके जन आधार कार्ड हैं जो अपडेट नहीं है, उनके जन आधार में जो कैटेगरी है वो EWS नहीं है, इस कारण उनके जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं वो EWS से नहीं हुए हैं और वो जनरल से हैं, लेकिन उनके फॉर्म हैं जो अब जनरल में हैं तो उन लोगों को बता दूं कि वो जन आधार कार्ड को अपडेट करवा ले, नहीं तो उनका नाम फिर जनरल लिस्ट में ही रहेगा। तो जनरल वाले कैंडिडेट जो कि EWS सर्टिफिकेट है वो सभी अपना सर्टिफिकेट जोड़ करके और उसे EWS में कन्वर्ट करवा लें जिससे कि आप लोगों को स्कूटी के अंदर EWS कैटेगरी से आपका स्कूटी लिस्ट में नाम आ जाए। आप सभी को बता दूं कि आप लोगों को इस वीडियो को अपने अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना है ताकि सभी छात्राओं को पता चल सके कि स्कूटी के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब चलते हैं इसके डिटेल्ड नोटिस की तरफ। स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन के क्रम में और ये जो नोटिस है वो 15/6/2022 को जारी हुआ है, आप लोग खुद भी इसके अंदर देख सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं ऑफिशियल साइट को अभी फिलहाल खोल नहीं रहा था 2-4-5 दिन से, लेकिन आज मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग में देखा कि ऑनलाइन आवेदन फिर से शुरू हो गए हैं, उनकी डेट बढ़ चुकी है, तो मैंने फिर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना शुरू किया है। चलते हैं आगे की तरफ। स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन के क्रम में राजस्थान स्थित राजकीय निजी महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत आर्थिक वर्ग यानी कि जो विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है जनरल कैटेगरी का जो वर्ग है उसके लिए EWS या EBC एक ही कैटेगरी होती है, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी नहीं होती है। बहुत से कैंडिडेट का ये क्वेश्चन होता है कि सर EWS और EBC अलग अलग हैं क्या, तो आप लोगों को बता दूं कि EWS और EBC एक ही कैटेगरी होती है, ठीक है। कि छात्राओं से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021-22 के अंतर्गत विभाग के पत्रांक F-2380 लेखा आकाशी ये जो एक तरीके से नोटिस का जो क्रमांक है वो क्रमांक दिया गया है जो कि 29/12/2021 को जारी किया गया था। इसका जो नोटिस है जो ऑनलाइन आवेदन का 29 दिसंबर 2021 को इसका नोटिस जारी किया गया था, ठीक है, ये इसका नोटिस जारी किया गया था। और इसके जो ऑनलाइन फॉरम थे वो 3/1/2022 से प्रारंभ हो गए थे और 15/2/2022 तक भरे गए थे, लेकिन उसके बाद भी ये जो इनकी लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई थी एक बार और फिर वो डेट बढ़ा करके इनकी
24/2/2022 से शुरू करके 15/3/2022 तक फिर से इनकी डेट बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब इन लोगों के फिर भी फॉर्म फिलअप नहीं हुई है क्योंकि इन्होंने जो जनाधार कार्ड है वो अपडेट नहीं करवा रखा था, इसलिए इनके जो नाम है वो जनरल कैटेगरी की लिस्ट में चले गए। अब जो कैटेगरी के जनरल कैटेगरी में चले गए उन लोगों से भी मैं आप बता दूं कि वो लोग अपना जो जनाधार कार्ड है उसको अपडेट करा लेंगे। अपडेट कराने के बाद आपका जो यानी कि फॉर्म है वो AWS कैटेगरी की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। काली भाई, भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021-22 माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC की छात्राओं या AWS की छात्राओं हेतु विभागीय वेबसाइट इसके ऊपर ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल पुनः निम्नानुसार खोला जाता है, यानी कि आपका जो दोबारा से जो आवेदन करने का जो पोर्टल है वो खोला जा रहा है। वो जो आवेदन करने की तिथि है वो सभी मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि फिर से शुरू हो गई है वो 16/6/2022 से शुरू हो गई है, यानी कि 16 जून 2022 यानी कि कल से ही शुरू हो गया है, और 15/7/2022 यानी कि एक मंथ का आप लोगों को टाइम है। तो आप लोगों को बता दूं कि पहले आप लोगों को अपना जनाधार कार्ड अपडेट करवाना है, उसमें अपनी कैटेगरी जो है वो AWS करवा लेनी है, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना, नहीं तो फिर आप लोगों का जनरल की कैटेगरी में नाम आता है। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है क्योंकि 2019-20 वाले जो कैंडिडेट हैं उनको इस चीज से अब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। उनको मैंने पहले भी बोला था कि वीडियो पूरा देखा करो, लेकिन नहीं देखते और उसका खामियाजा अब उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनका भी साथ दे रहा हूं क्योंकि मेरे को आशा है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मैं उन लोगों का साथ दूंगा और उन लोगों को जो उनकी कैटेगरी है उसमें ही उनके नाम जुड़वाऊंगा। अभी भी उनके लिए एक बार फिर से उनको मेरी मौका दिलवाने की कोशिश जारी रहेगी, इसके लिए मैं लगातार उन संघर्षरत हूँ और उनका अवश्य साथ देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। इसमें अब बता रखा है कि जो 30/12/2021 का जो नोटिस है उसके अनुसार अपने जो जो कागज आदि चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स इसमें बता रखे हैं कि इस नोटिस को पढ़ लो और इसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए 30/12/2021 के अंतर्गत जो नोटिस है उसी के अनुसार अपने दस्तावेज हैं वो जांच कर लेवें और आपका जो जनाधार कार्ड है वो होना अनिवार्य है। और उसमें देखिए ये भी बता रखा है यहाँ पर फिर से कि उसमें भरी हुई सूचनाएं यथा जाति यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो उसमें अपडेट होना चाहिए, तभी आप लोगों का जो फॉर्म है वो AWS कैटेगरी में होगा। मूल निवास, बैंक डिटेल आदि सब कुछ अपडेट होना चाहिए। ठीक है, और इसको आप अपनी SSO ID से लॉगिन कर करके सिटीजन ऐप G2CK स्कॉलरशिप ऐप CETAD माइनॉरिटी आइकॉन पर क्लिक करके और आप इसको जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हो इसके जो वित्तीय सलाहकार हैं वो हरी सिंह मीणा है, जो इनके सिग्नेचर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जल्द से जल्द इसके लिए अब आवेदन कर देना है, लेकिन आवेदन करने से पहले आप लोगों को अपना जो जनाधार कार्ड है उसे अपडेट करवाना है, फिर ही आवेदन करना। और जिनके अब से पहले फॉर्म भर चुके हैं उनसे भी निवेदन है कि वो लोग भी अपना जनाधार कार्ड अपडेट करवा लेवे। थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए यही है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको भविष्य में इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो इसी चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी। ठीक है, और बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देवें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है।